जंगल में कुछ महीनों से बारिशें नहीं हुई थी, जिस कारण जंगल में भोजन की काफी कमी हो चुकी थी। जंगल के पक्षी कुछ परेशान थे। पक्षियों, अब हम क्या करें? हमारे जंगल में तो भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हमारे जंगल में तो भोजन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हाँ टूनी चिड़िया, समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे जंगल में बारिशें कब होगी। टूनी चिड़िया, तुम तो बिल्कुल ऐसे कह रही हो जैसे हमारे जंगल में अब भोजन मिल ही नहीं रहा है, और जैसे पूरी तरह से भोजन खत्म हो गया हो हमारे जंगल में। हमारे जंगल में अभी भी बहुत भोजन है, बस अब हमें भोजन थोड़ी मेहनत से ढूंढना होगा। हाँ बुलबुल बहन, तुम ठीक कह रही हो, परंतु जो भोजन थोड़े ही मेहनत पर मिल जाता था, अब वही भोजन को ढूंढने के लिए हमें सारा दिन लग जाता है। अरे अरे पक्षियों, अगर हम यहीं पे बैठे बात करते रहे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चलो चलो, सब भोजन ढूंढने चलते हैं। फिर सारे पक्षी भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। कोई पक्षी कहीं भोजन ढूंढ रहा था तो कोई कहीं और टूनी चिड़िया तो भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल से काफी दूर आ चुकी है। मैं भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल से कितनी दूर आ गई हूँ, परंतु अभी तक भोजन का एक दाना नहीं मिला। मैं क्या करूँ? कुकू घर में भूखा बैठा होगा, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तभी टूनी चिड़िया को सामने एक गुफा दिखती है। टूनी चिड़िया उस गुफा को देख कर कहती है, सब जगह तो मैंने भोजन ढूंढ लिया है, पर इस गुफा के अंदर नहीं गई हूँ। चलो इस गुफा के अंदर जाकर भी मैं देख लेती हूँ, क्या पता इसमें मुझे भोजन मिल जाए। यह कहकर टूनी चिड़िया फौरन उस गुफा के अंदर जाती है। जब टूनी चिड़िया उस गुफा के अंदर आती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है। उस गुफा के अंदर तो काफी बड़े बड़े तरबूज होते हैं। वह तरबूज तो काफी ज्यादा और काफी बड़े बड़े थे। टूनी चिड़िया ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, इतने सारे तरबूज और वो भी इतने बड़े बड़े। चलो चलो, जल्दी से जाकर ये खबर मैं सब पक्षियों को देती हूँ, सब पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद टूनी चिड़िया जंगल की सारी पक्षियों को लेकर उस गुफा में आती है। इतने सारे तरबूजों को देखकर कालू कौवा तो लालच में आ जाता है और वह कहता है, पक्षियों, कोई भी इन तरबूजों को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इन तरबूजों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये तरबूज किसी और की नहीं बल्कि मेरे मामा जी की है। मेरे मामा जी दूसरे जंगल किसी काम से गए हुए हैं। उन्होंने अपने खेत से सारे तरबूज तोड़कर इस गुफा में छुपा दिए थे ताकि कोई पक्षी उनके तरबूज चोरी ना कर सके। इसलिए पक्षियों, कोई भी मेरे मामा जी के तरबूजों को हाथ नहीं लगाएगा। इन तरबूजों को सिर्फ मैं और रानी कौवे ही खा सकते हैं। कालू कौवे, थोड़े बहुत तरबूज हम पक्षियों को भी दे दो ताकि हम पक्षियाँ इन तरबूज को खाकर ही अपना पेट भर लें। नहीं नहीं, एक दाना भी नहीं दूंगा किसी पक्षियों को मैं। चलो चलो, सब पक्षी यहाँ से भाग जाओ। फिर सारे पक्षी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, जहाँ तक मुझे याद है आपके मामा जी तो बहुत गरीब हैं। तो फिर इतने सारे तरबूज आपके मामा जी के पास कहाँ से आए? अरे रानी, तुम भी बेवकूफ की बेवकूफ ही रहना। मैंने पक्षियों से झूठ बोला है। अगर मैं उन पक्षियों से झूठ ना बोलता तो वे सारे पक्षी इन तरबूजों को बांट लेते और हमारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ थोड़े से ही तरबूज आते। परंतु ये सारे तरबूज अब हमारे हो गए हैं। अब तुम देखना, अब मैं ये सारे तरबूज उल्लू सेठ को बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। तो फिर ठीक है कालू जी, अब जल्दी से उल्लू सेठ के पास जाएं और इन तरबूजों का सौदा करके आएं। फिर कालू कौवा फौरन से उल्लू सेठ के पास चला जाता है। उल्लू सेठ, वे तरबूज बहुत ही बड़े बड़े हैं। आप जल्दी से वो तरबूज मुझसे खरीद लें। वो तो ठीक है कालू कौवे, परंतु तुम्हारे पास इतने सारे तरबूज आए कहाँ से? अरे भाई उल्लू सेठ, उससे आपको क्या करना है, आप बस मुझसे ये तरबूज खरीद लें। ठीक है कालू कौवे, मैं तुमसे तुम्हारे सारे तरबूज खरीद लूंगा। फिर उल्लू सेठ कालू कौवे को काफी सारे पैसे दे देते हैं और वे सारे तरबूज खरीद लेते हैं। कालू कौवे, आज मैं शाम तक तुम्हारे गुफा में आकर वे सारे तरबूज ले जाऊंगा। हाँ हाँ उल्लू सेठ, वे सारे तरबूज अब से आपके ही हैं। आपके जब मर्जी हो आप वहाँ से ले जाना। यह कहकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। देखो रानी, मैंने वे सारे तरबूज बेच दिए और देखो ये मेरे पास कितने सारे पैसे आ गए। अब मैं इन पैसों से अपना एक बड़ा सा घर खरीद लूंगा। कालू जी, अब हमें जंगल की पक्षियों की तरह भूखा नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। बस फिर अगले दिन ही कालू कौवा अपना एक बड़ा सा घर खरीद लेता है। जंगल के सारे पक्षी तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। पक्षियों, एक तरफ हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है,
और इस कालू कौवे को तो देखो, कालू कौवा कितना ज्यादा अमीर हो गया है। उसने तो अपना इतना बड़ा सा घर भी खरीद लिया है। समझ में नहीं आता कि आखिर कालू कौवे के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। टूनी चिड़िया, मुझे तो लगता है कि कालू कौवे ने अपने मामा जी को चूना लगाया है। उसने अपने मामा जी के सारे तरबूज बेचकर अपने पैसे खुद ही रख लिए होंगे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो अपने बारे में सोचना है। बस जल्दी से हमारे जंगल में बारिश हो जाए, ताकि हमारे जंगल में दोबारा से फसलें निकल आए और हमें भोजन की कोई कमी ना हो। टूनी चिड़िया, तुम परेशान ना हो, देखना हमारे जंगल में जल्द ही बारिश हो जाएगी और हमारी ये सारी समस्याएं ही दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ कालू कौवा तो अब काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अब कालू कौवे को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। चलो भाई, अब मैं अपने सारे काम काज खत्म करके दूसरे जंगल से वापस आ गया हूँ। अब मैं जल्दी से वे सारे तरबूज ले जाकर किसी अच्छे पक्षी को भेज देता हूँ और काफी ज्यादा मुनाफा कमाता हूँ। कबूतर किसान ने बड़े ही मेहनत से अपनी फसल लगाई थी। जंगल में कुछ किसान ने बारिश नहीं हुई गुफा में लाकर, जिस कारण जंगल कबूतर किसान काफी गुफा में होता है तो वह अपने जंगल के पक्षी देखकर हैरान हो जाता है। उस गुफा में तो एक भी तरबूज नहीं, हमारे जंगल में तो अरे ये क्या हो गया, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। भोजन ढूंढना सारे तरबूज कहाँ चले गए, किसने चोरी कर लिए है मेरे तरबूज, अब मैं क्या करूं। हमारे जंगल में बारिश कब हो, मैंने अपने तरबूजों की फसल लगाई, सोचा था कि बहुत ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा, लेकिन मेरे सारे तरबूज तो चोरी हो गए। छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे तरबूज चोरी किए हैं। बस अब हमें भोजन छोड़ूंगा नहीं। कबूतर किसान गुस्सा होकर फौरन पक्षियों के पास जाता है। परंतु जो सच सच बताओ पक्षियों, तुम में से किसने मेरी तरबूज चोरी किए हैं। मैंने अपने काफी सारे बड़े बड़े तरबूज गुफा में छुपा दिए थे, लेकिन मेरे सारे तरबूज उस गुफा से गायब हैं। कहीं कबूतर किसान उन तरबूजों की बात तो नहीं कर रहा, जिन तरबूजों को कालू कौवा अपना कह रहा था। कबूतर किसान, ये तुम क्या कह रहे हो, वे सारे तरबूज तो कालू कौवे के मामा जी के थे, जो उन्होंने गुफा में रखे थे। नहीं नहीं टूनी चिड़िया, वे सारे तरबूज मेरे हैं। मुझे किसी काम से दूसरे जंगल जाना था, इसीलिए मैंने अपने सारे तरबूज तोड़कर उस गुफा में छुपा दिए थे। परंतु कबूतर किसान, अब तो उस कालू कौवे ने सारे तरबूज उस उल्लू सेठ को बेच दिए हैं। मैं कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे तरबूज चोरी किए हैं, उसे तो मैं अभी बताता हूँ। थोड़ी देर में कबूतर किसान मिठू महाराज के सैनिक को लेकर कालू कौवे के पास आता है। सैनिक जी, पकड़ लो इस कालू कौवे को, ये कालू कौवा चोर है, इसने मेरे सारे तरबूज चोरी कर लिए हैं। क्या कबूतर किसान, वे सारे तरबूज तुम्हारे थे? अरे मुझे लगा कि वे सारे तरबूज मेरे मामा जी के हैं, तभी तो मैं वे सारे तरबूज उल्लू सेठ को बेच दिए। कालू कौवे, इस बार तो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इस बार तो तुम्हें लंबी सजा मिलेगी। बस फिर मिठू महाराज का सैनिक अपने महल में ले जाकर कालू कौवे को बंदी बना लेता है, और वही कबूतर किसान कालू कौवे के घर पर कब्जा कर लेता है और रानी कौवे को घर से निकाल देता है। अगले ही दिन जंगल में काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है और अब सब पक्षी बारिश से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।